बोरीवली पुलिस स्टेशन अंतर्गत मोबाइल चोरी की वारदातें काफी बढ़ती जा रही थी, जिस पर 17 नवंबर को कुछ ही देर में एक एक करके दो युवतियों ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में मोबाइल चोरी की घटनाएं दर्ज करवाई। ये चोर इतने शातिर थे कि कानों में मोबाइल लगाकर बात करने वालों का फोन पलक झपकते ही मोटरसाइकिल से लेकर फरार हो जाते थे। वहीं बोरीवली पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी का बारीकी से निरीक्षण कर इन दोनों चोरों को धर दबोचा। आगे की जांच बोरीवली पुलिस कर रही है। नमस्कार, 27 नवंबर 22 को मैं नाइट पिया करके ड्यूटी पे था। रात को 12 बजे के बाद एक महिला आई पुलिस में और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है करके। वो चंदावर को रोड से जा रही थी तभी ग्रे स्कूटी पे दो लड़के आए और उसका मोबाइल जबरदस्ती छीन के भागे। वैसी वारदात सेम आधा घंटे के बाद हुई। दूसरी एक लड़की आई, उन्होंने भी यही कहा कि वो मोबाइल पे गाने सुनते जा रही थी कि उसी वक्त कोई अनजान मोटरसाइकिल सवार आके उन्होंने उनका भी मोबाइल छीन के लिया है। हमने तुरंत हमारी जो डिटेक्शन की टीम है एपीआई तड़वी और इंद्रजीत पाटिल और उनका स्टाफ है उनको काम पे लगाए। इन लोगों ने तुरंत रात भर वहाँ के सीसीटीवी खंगाले और एक सीसीटीवी में उनको गाड़ी का नंबर मिला। वो नंबर के आधार से उन्होंने दो व्यक्ति को ताबे में हिरासत में ले लिया। ये दोनों भी जो बंदे हैं ये गणपत पाटिल नगर दहिसर वेस्ट के रहने वाले हैं। इनका गुना में सहभाग निष्पन्न होने के बाद उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया गया। उनके पास दो चोरी के जो मोबाइल थे वो मोबाइल भी हस्तगत किए और गुना के वक्त उन्होंने जो मोटर स्कूटी इस्तेमाल की थी वो भी हस्तगत किए। इनके नाम ऐसे है, एक का नाम है महेश पटेल, उम्र 25 साल और दूसरे का शक्ति दरगन, इसका भी उम्र सेम है। ये दोनों भी कुछ काम नहीं करते, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका हम मालूमत ले रहे हैं। सर कौन सी धाराओं के तहत गुना दाखिल हुआ है? इनको रॉबरी में अरेस्ट किया है, 392-34 IPC के तहत इनको अरेस्ट करवा गया। तुरंत इनको अरेस्ट करवा, जैसे गुना दाखिल हुआ वैसे तुरंत इनको अरेस्ट करवाया गया। मुंबई से गौरव राजपुरोहित की एक रिपोर्ट।